आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चंद्र धर्म शर्मा गुलेरी जी की बहुत ही एक प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, उस कहानी के आधार पर कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह के चरित्र चित्रण के बारे में बात करने वाले हैं। आप इसको हिंदी की प्रथम प्रेम कहानी भी कह सकते हैं। चंद्र धर्म शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है उसने कहा था, एक पवित्र वासना रहित निर्मल और सच्चे प्रेम पर आधारित एक कहानी है। और गुलेरी जी ने जिस इस कहानी में जिस प्रेम को प्रस्तुत किया है उसको आप आदर्श प्रेम की संज्ञा दे सकते हैं। इस आदर्श प्रेम को प्रस्तुत करने वाला इसका जो मुख्य पात्र है वो लहना सिंह है। इस कहानी में कुछ और भी पात्र हैं। इस कहानी का जो मुख्य पात्र नायक आप लहना सिंह कर सकते हैं। इसके अलावा एक जिक्र आता है सूबेदारनी का। सूबेदारनी एक लड़की होती है जो बचपन में लहना सिंह को मिलती है और बाद में उसकी शादी हजारा सिंह को हो जाती है, और हजारा सिंह जो है वो सेना में लहना सिंह का सूबेदार होता है। और हजारा सिंह का एक पुत्र होता है बोधा सिंह, वो भी जो लहना सिंह के साथ ही सेना में होता है। कई और भी लेफ्टन साहब एक जर्मन जासूस के पात्र के रूप में आते हैं। वजीरा सिंह सेना का एक अन्य जवान है। यानी इन रिश्तों में युद्ध पर आधारित प्रेम पर आधारित ये कहानी है। ये विरोधाभास लगता है कि युद्ध और प्रेम एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, लेकिन इस कहानी के अंदर युद्ध भी है और प्रेम भी है। आइए लहना सिंह के चरित्र के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं इसके मुख्य पात्र में है। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि वो सच्चा एक प्रेमी है। अमृतसर से कहानी शुरू होती है। अमृतसर के अंदर जो एक सूबेदारनी है, सूबेदारनी एक लड़की होती है और लहना सिंह भी है, वो भी वहां पर मिलते हैं दोनों। और वो किसी दुकान से इसी प्रकार से हर रोज मिलते हैं। वो किसी सामान को ले जाने के लिए या दुकानदार से कुछ खरीदने के लिए वो अक्सर मिल जाते हैं और वहीं से उनकी भेंट शुरू होती है। और तब उनकी दो अवस्था थी, वो 12 वर्ष की थी। लहना सिंह को वो लड़की अच्छी लगती है। उस लड़की का नाम भी उसे नहीं मालूम, बस वो सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई। तो कुड़माई एक पंजाबी का शब्द है, और क्योंकि ये अमृतसर से जुड़ी हुई कहानी है तो कुड़माई का मतलब यहाँ पर सगाई होता है, यानी जो शादी से पहले की रस्म होती है। और लड़की धत कहकर भाग जाती है। तो इसी प्रकार से ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन लड़की कहती है कि मेरी कुड़माई हो गई, और वो अपना एक इस प्रकार का एक वस्त्र दिखाती है। और जब लहना सिंह को पता लगता है कि उसकी कुड़माई होगी, उसकी सगाई हो गई है, तो उसकी आशा टूट जाती है, उसका प्रेम टूट जाता है। और वह लहना की जो गतिविधि है उस बात का प्रमाण है कि लड़की की सगाई होना उसे बुरा लगता है। क्योंकि जब उस लड़की वो इस प्रकार से अपना बूटों वाला जो है वो वस्त्र दिखाकर, चुन्नी दिखाकर उसके उसको ये बता देती कि उसकी सगाई हो चुकी है, लहना सिंह को इतना बुरा लगता है। वो रास्ते में कभी किसी से टकराता है, कभी किसी को नाली में धक्का दे देता है, कभी कुत्ते को किसी को पत्थर मारता है। तो इससे उसकी मानसिकता का पता लगता है कि उसको सगाई होना, उस लड़की की सगाई होना उसे बहुत बुरा लगता है। और बाद में ये लड़की जो है वो बाद में हजारा सिंह के साथ उसकी शादी हो जाती है, और हजारा सिंह सेना के अंदर लहना सिंह का ऑफिसर बन जाता है। लहना सिंह सूबेदारनी के बीमार पुत्र बोधा सिंह के बदले पहरा देता है। यानी सूबेदारनी का जो पुत्र होता है बोधा सिंह, वो भी उसी के पलटन के अंदर है, और वो उसके बदले में संतरी की ड्यूटी देता है, पहरा देता है, अपना कंबल उसे उड़ा देता है, अपने ऊनी कपड़े उसे दे देता है। और वो क्योंकि सिगड़ी के सहारे ठंड से लड़ता रहता है। सिगड़ी यहाँ पर क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध की बातें हैं, और जर्मनी या दूसरे जो यूरोप के देश थे उनके अंदर ये लड़ाई चल रही है, और वहां का टेम्परेचर बहुत कम था, इसलिए जो यहाँ पर कंबल और सिगड़ी की बातें हो रही हैं। वो बुरी तरह घायल होकर भी लहना सिंह अपने सूबेदार से बातें करता है और बोधा सिंह के साथ गाड़ी पर चढ़ा देता है उसको।
यानी हजारा सिंह को और बोधा सिंह को वो जो बीमार सैनिक हैं उनकी जो उनके लिए जो एम्बुलेंस आई हुई है उस गाड़ी में चढ़ा देता है, जबकि खुद लहना सिंह को गोलियां लगती हैं लेकिन वो फिर भी वहीं पर रह जाता है और उस सूबेदार पर कोई एहसान प्रदर्शित न करके सिर्फ इतना कह देता है कि सूबेदारनी होरां को चिट्ठी लिख देना और जाओ तो कहना कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। तो यहाँ पर सूबेदारनी कौन है? वो वही लड़की है। उस लड़की यानी सूबेदारनी जब एक बार वो छुट्टी आता है लहना सिंह और उसके घर में जाता है मिलने के लिए कुछ सामान देने के लिए, तो वहां पर वो पहचान जाता है उस लड़की को और वो लड़की भी उसको पहचान दे, सूबेदारनी उसको पहचान जाती है कि वो बचपन का मेरा वही मित्र था जो मुझे छेड़ता था और मेरी कुड़माई की बातें करता था और उसने कहा था कि मेरे पति और मेरा जो बेटा है उसकी रक्षा करना, उसकी संभाल रखना। तो इसलिए वो कहता है लहना सिंह ये सूबेदारनी को बता देना या चिट्ठी लिख देना कि उसने जो कहा था, ये उसने जो कहा था इसका मतलब सूबेदारनी ने लहना सिंह को कहा था, वो उसने कर दिया। तो इस प्रकार से जो सच्चा प्रेम है वो लहना सिंह के चरित्र के अंदर प्रदर्शित होता है, इसके साथ साथ त्याग की भावना भी उसकी दिखाई देती है और उसका जो प्रेम है वो निश्चल और पवित्र है। आगे बढ़ते हैं तो लहना सिंह एक साहसी भी है। जब 12 वर्ष का ही था तो अपने मामा के यहाँ अमृतसर के गुरु बाजार में रहता था और दूसरे तीसरे दिन उसे एक लड़की मिल जाती है जिसकी हम बात कर चुके हैं सूबेदारनी, वो भी अपने मामा के यहाँ आई हुई थी और लड़की को बालक तेरी कुड़माई होगी या मंगनी होगी या कहकर छेड़ा करता था और वो धतकाकर भाग जाती थी। एक दिन होता क्या है कि जो घोड़ा है वो बिदक जाता है और वो लड़की को चोट लगने वाली होती है और वो लहना सिंह घोड़े की लातों में चला जाता है और लड़की को उठाकर तख्ते पर खड़ा कर देता है, यानी उसको सुरक्षित बचा लेता है। तो इससे भी पता लगता है कि वो 12 साल का लड़का इतना साहसी है, जबकि उसको पता कि घोड़ा बिदका हुआ है, उसकी लात लग सकती है, उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो उस लड़की को बचा लेता है। इसी प्रकार लहना सिंह जो फौज में जमादार बन जाता है, जमादार यहाँ पर एक पद होता है सेना का, और प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो जर्मन सेना के खिलाफ लड़ा जा रहा था, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों की सेना की तरफ से लड़ रहे थे और जर्मनी के खिलाफ थे, तो इसलिए जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ा जा रहा था। ये 1914 के आसपास की बातें हैं, 14 से 17 के आसपास की बातें हैं। तो यह एक जर्मन गुप्तचर ने लहना के सूबेदार और समर्थकों को धोखा करने के लिए खाई से बाहर भेज दिया। खाई या खंदक है, ट्रेंच जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेना की भाषा में। लहना सिंह के समेत वहां 8 जवान खाई में रह गए और 70 जर्मन सैनिकों ने खाई पर दावा बोल दिया। तो लहना सिंह की जांग में घाव था, उसके साथी लेटकर लड़ रहे थे पर लहना सिंह खड़ा था और ताक ताक कर जर्मन सैनिकों को मार रहा था। तो इससे उसके साहस का पता लगता है लहना सिंह के, कि उसकी जांग में एक प्रकार से घाव हो चुका था, उसको गोली भी लग चुकी थी, लेकिन वो फिर भी खड़ा होकर उन 70, क्योंकि ये सिर्फ 8 सिख सैनिक थे और उसके सामने 70 जो थे जर्मन सैनिक थे, लेकिन 8 जो सैनिक थे वो 70 का मुकाबला कर रहे थे और जो लहना सिंह घायल होने के बावजूद भी उनसे लड़ रहा था। इससे पता लगता कि वो साहसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और अगर साहस की बात है तो कष्ट सहने की क्षमता भी आप व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। लहना सिंह जो कष्ट सहने की विशेष क्षमता है उसके अंदर है, जिस प्रकार से बचपन का जिक्र आया है, जब अमृतसर के गुरु बाजार का, जब घोड़ों की टापों से बचाने के लिए वह उस लड़की को उठाकर तख्ते पर खड़ा कर देता है तो 12 साल का है, तो यहाँ पर भी कष्ट सहने की क्षमता का पता लगता है। बाद में जब वो सिख राइफल्स में जमादार हो जाता है, यानी सिख रेजिमेंट में चला जाता है और वहां पर जमादार के पद पर प्रमोशन ले लेता है, तो वहां पर एक गुप्तचर आता है जर्मनी का और वो अपने पिस्तौल से उसकी जांग में गोली मार देता है और लहना सिंह ने गुप्तचर को मार दिया और घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और वो जर्मन सैनिकों से लड़ता रहा। यानी इतना गोली लगने के बावजूद भी वो अपने घाव पर पट्टी बांध लेता है और फिर भी जर्मन के सैनिकों से लड़ता रहता है। उसकी पसली में गोली लगी, उसने खाई की गीली मिट्टी से उसको भर लिया, यानी जो गोली लगी उस पर पट्टी करने के लिए वहां कुछ नहीं था, तो उसने क्या खाई की जो गीली मिट्टी थी उसको भर लिया और शरीर पर वो 2 घाव खाकर भी खड़ा रहा और सूबेदार से बातें करता रहा। यानी हजारा सिंह को उसने ये एहसास नहीं होने दिया कि वो इतना घायल हो चुका है, क्योंकि वो चाहता था
कि जो सुबेदारनी है उसको जो उसने वचन दिया है हजारा सिंह और बौदा सिंह को बचाने का, उसको वो पूरा कर सके, तो उसके लिए वो कष्ट भी सहता है। प्रत्युपन मति यानी इंस्टेंट डिसीजन लेने की और खतरे को पहचानने की, सॉरी खतरे को पहचानने की जो एक कुशलता होती है उसको आप कह सकते हैं कि कब क्या करना चाहिए, इसे समझने में लहना सिंह बहुत चतुर है। जर्मन जासूस जब लहना सिंह की रेजिमेंट का लेफ्टन बनकर आया, लेफ्टन यहाँ पर लेफ्टिनेंट को कहा गया है क्योंकि जर्मन जो जासूस था वो, क्योंकि अंग्रेज एक जैसे दिखाई देते हैं, जर्मन वाले एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए उसका जो लेफ्टिनेंट था वो एक अंग्रेज था, लेकिन यहाँ पर वो जब अंग्रेज या तो मार दिया जाता है उसका जिक्र नहीं आता, या कैद कर लिया जाता है और उसकी जगह एक जर्मन जासूस आ जाता है और वो लेफ्टिनेंट बनकर आ जाता है, तो सूबेदार की आज्ञा देकर अधिकांश सैनिकों सहित वह बाहर खाई से बाहर भेज देता है और वो इनको धोखा देने के लिए क्या करता है, वो एक इनका अफसर बनकर आता है और वो कहता है कि सूबेदार हजारा सिंह अपने साथ आधे सैनिकों को लेकर दूसरे मोर्चे पर चले जाए ताकि यहाँ पर इस मोर्चे पर कम व्यक्ति कम सैनिक रह जाएं और जर्मन सैनिक पीछे से इसको हमला कर सके और इनको हरा सके मार सके। लहना सिंह जब सिगड़ी के सहारे ठंड दूर कर रहा था तो जर्मन गुप्तचर ने लहना सिंह की ओर मुंह फेर कर सिगरेट पीने के लिए दी और कहा लो तुम भी पियो, तो यहां से उसकी बुद्धि काम करती है लहना सिंह की, क्योंकि जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट था वो जानता था कि जो सिख होते हैं वो सिगरेट नहीं पीते और जो जर्मन जासूस है तो उसको इस प्रकार की चीजें पता नहीं था, इसलिए उसने तुरंत भांप लिया लहना सिंह ने कि ये कोई और नहीं, हमारा ऑफिसर नहीं है, ये कोई और है और खतरे की घंटी है ये। लहना सिंह समझ गया कि है हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, जर्मन गुप्तचर हैं, और लहना सिंह जानता था कि सिख सिगरेट नहीं, जो लहना का लेफ्टिनेंट जानता था कि सिख सिगरेट नहीं पीते। सिगड़ी के उजाले में उसने देख लिया था कि साहब के सिर पर बाल नहीं है, उसके लेफ्टिनेंट साहब तो बड़े बड़े बाल रखते हैं। दूसरी चीज तो पहले इसने नोट करी कि उसने एक सिख को सिगरेट पीने के लिए ऑफर किया। दूसरी चीज उसने जो नोट करी वो ये थे कि ये जो सब अभी आए हैं लेफ्टन, इनके सिर पर बाल नहीं है और ये गंजे हैं, जबकि उनका जो असली लेफ्टन साहब हैं उनके बड़े बड़े बाल होते थे। तो लहना सिंह ने सोचा कि शराब के नशे में वो भूल गए हो, ऐसा हो सकता है कि सिख सिगरेट नहीं पीते, और लहना सिंह ने लेफ्टन साहब को वास्तविकता जांचने के लिए तुरंत उपाय सोच लिया। उपाय क्या सोचा, उसने वो पिछली बातें करनी शुरू कर दी कि जगाधरी में किस प्रकार हमने नील गाय का एक शिकार किया था और एक जो आपके बावर्ची जो थे वो जो कि एक मुस्लिम थे वो एक मंदिर में चले गए थे जल चढ़ाने के लिए, यानी इन सब चीजों को थोड़ा इस प्रकार से विरोधाभासी उन्होंने जिक्र किया ताकि उसको जर्मन का जो गुप्तचर था उसकी असलियत का वो समझ सके। तो इसे पता लगता कि वो तेज बुद्धि का व्यक्ति था और वो खतरे को बहुत जल्दी भांप लेता था। बात करते हैं कि कर्तव्य निश्चय करने में विलंब नहीं, यानी वह व्यक्ति होता है कई बार कि अपने वो कर्तव्य को निश्चय नहीं कर पाता कि मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये जानने के लिए कि उसका यह आदमी उनका लेफ्टिनेंट नहीं है जर्मन गुप्तचर है, जब उसका ये पता लग गया तो लहना सिंह को अपने क्या कर्तव्य होना चाहिए निश्चित करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। उसने समझ लिया कि जो सूबेदार साहब थे वो खुले में आक्रमण होगा और हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह को उन्होंने बाहर भेज दिया था खंडक से, यानी वहां पर छिपने को कोई स्थान नहीं था, तो जर्मन सेना वहां उनको खुले में मार देगी और यहाँ पर खंडक में क्योंकि 8 ही सैनिक बच गए थे तो इनको भी जो 70 सैनिक थे वो भी इनको मार देंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इनकी जो ताकत है उसको बांट कर हराने की एक प्रक्रिया वहां पर चल रही थी, इसलिए जब लहना सिंह ने इस प्रकार से वहां पर इस चीज का पता लगाया तो वो दिला सलाई लेने के बहाने खाई के अंदर गया। उस लप्तान साहब को उसने कहा जो कि जर्मन गुप्तचर था कि मैं अंदर से
माचिस लेके आता हूँ, दिया सलाई लेके आता हूँ। और वहां जाकर उसने वजीरा सिंह से कहा, जो कि सेना का एक जवान था, उससे जूनियर था, कि लेफ्टिनेंट साहब या तो हमारे मारे गए हैं या कैद हो गए। वो समझने में देर नहीं लगी, लेफ्टिनेंट साहब कौन, असली के जो अंग्रेज थे, उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार उनका मुंह नहीं दिखा, मैंने देखा और उनसे बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, सोहरा यहाँ पर एक प्रकार से एक गाली होती है, ससुरा जिसको आप कह सकते हैं, पर किताबी उर्दू, और मुझे सिगरेट पीने को दिया है, कि किताबी उर्दू बोलता है और मुझे पीने के लिए उसने सिगरेट दिया है। तो इससे उसको पता लगता है, तो वजीरा सिंह उसको भांप जाता कि खतरा क्या है, और वो कहता तो अब यानी अब नेक्स्ट क्या करें। तो लैना सिंह कहता है अब मारे गए धोखा है, सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, और उन खाओ खुले में, उन पर खुले में धावा होगा, यानी उन पर खुले में धावा होगा और हम यहाँ पर मारे जाएंगे। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। ये देखो इसने बुद्धि का काम लिया कि जिस, क्योंकि वहां पर बहुत कीचड़ टाइप का बना हुआ था, और वो कहता कि पलटन के जो पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। और वजीरा सिंह को कहा, और वो भी बहुत दूर नहीं गए होंगे, जो सूबेदार साहब बहुत दूर न गए होंगे, उनको कहना कि एकदम लौट आवे, वापिस आ जाएं, खंदक की बात झूठ है, यानी जो खंदक में जो आपको बताया गया था वो सारा झूठ है, और खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता न खड़के देर मत करना, यानी किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति उस उन सैनिकों को बुलाने के लिए गया है जिनको जर्मन गुप्तचर ने वहां पर भेज दिया था। इसके अलावा अपना महत्व समझने वाला लहना सिंह को अपना महत्व भी पता है। जब उसने वजीरा सिंह को खंदक से निकल जाने को कहा तो सैनिक होने के नाते आज्ञा पालन का संकेत करते हुए उसने शंका व्यक्त की, हुक्म तो यही है कि, हुक्म तो यानी क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर हजारा सिंह जाते समय उनको हुक्म देके गया था कि तुम 8 लोग यहीं ठहरो और हम दूसरे मोर्चे पर जा रहे हैं। लेकिन और जब लहना सिंह उनको वापस बुलाने के लिए कहता है तो वजीरा सिंह इस प्रकार का एक शंका व्यक्त करता है, तो लहना सिंह क्रोध में भर कर कहता है ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, यानी सेना के अंदर ये होता है जो भी व्यक्ति सबसे सीनियर होता है वहां पर, चाहे वो कोई भी हो, तो उसी का हुक्म, सॉरी उसी का हुक्म माना जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि सूबेदार साहब तो बाहर जा चुके हैं, इसलिए वहां पर जो हुक्म है वो जमादार लहना सिंह का ही माना जाएगा, जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्तन साहब को खबर देता हूँ, की खबर लेता हूँ, यानी मैं उसको जर्मन गुप्तचर को संभालता हूँ और तुम जाकर उनको बुलाकर ले आओ। वजीरा सिंह का समाधान अभी नहीं हुआ था, वह शंका व्यक्त करने लगा, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, तो इससे पता लगता कि यहाँ पर कितने सैनिक बच गए थे, 8 बच गए थे। तो लहना सिंह कहता है कि सिख सिपाही होने का उसने भाव प्रदर्शित किया कि सिखों की क्या ताकत है, वो कहता कि 8 नहीं 10 लाख है, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, और यहाँ से चले जाओ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लहना सिंह है उसने कहा था का जो एक मुख्य पात्र है, नायक आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, वो एक कुशल प्रेमी भी है, एक बिल्कुल सीधा साधा साहसी व्यक्ति भी है, अपना महत्व को भी समझने वाला है और वो खतरे को भी जल्दी भांप लेता है। तो ये एक जो गुलेरी जी की बहुत ही एक प्रसिद्ध कहानी है और बहुत पहले लिखी गई, लेकिन आज भी जब हम इसको पढ़ते हैं तो आप उतना ही रस इसमें ले सकते हैं। ये एक प्रेम कहानी है जो एक शुरुआती दौर में लिखी गई थी, आप इसको एक क्लासिकल कहानी भी कह सकते हैं। आपको कैसी लगी? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।